हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ स्माइल और आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्माइल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब सीखने वाले हैं अमेज़ॉन से जो आपने ऑर्डर किया हुआ है, जो सारी कुछ भी आपने ऑर्डर किया है, कोई भी उसमें आपको जो उसका इनवाइस बिल कैसे डाउनलोड करना है। जैसे आपका उसमें ये भी तरीका मैं बताऊंगा कि जैसे आप साल 2 साल 3 साल पुराना भी आप निकाल सकते हैं, उसका इनवाइस बिल कैसे आपको डाउनलोड करना है, वारंटी स्लिप कैसे डाउनलोड करना है, उसका सारा पूरा कंप्लीट वीडियो मैं आपको बताऊँगा। तो आप इसको वीडियो पर बने रहें और सीखिए। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे अपने अमेज़ॉन ऐप पर। अमेज़ॉन ऐप पर आने के बाद से देखिए, यहाँ पे दूसरे ना होम होम के बगल में जो दूसरे तरफ दूसरे में दिखा रहा है, यहाँ पे इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से देखिए, आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है योर ऑर्डर, योर अकाउंट, योर विश लिस्ट बाई अगेन। यहाँ पे आपको ऑर्डर अगर चेक करना है तो आप योर योर ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से देखिए, आपका जो भी आपने ट्रांजेक्शन किया हुआ है उसका अगर इनवाइस बिल आपको चाहिए, आपको प्रिंट करना है पीडीएफ फॉर्म में, या फिर जो अगर जैसे मान लीजिए जितना हमने ट्रांजेक्शन किया हुआ है इसमें से अगर नहीं मिलता है तो आप यहां से फ़िल्टर भी कर सकते हैं। देखिए, यहां बगल में दिया हुआ है दाहिने साइड में यहाँ फिल्टर का। फिल्टर करने पर आपको देखिए, जब ये वहाँ तक दिखा रहा है, जैसे मैंने हमने 2018 में अपना अकाउंट क्रिएट किया था अमेज़न पे का, तो इस नाते 2018 तक लास्ट दे रहा है। आप जब भी आप क्रिएट किए होंगे उस तक उतने डेट तक आपको दिया जाएगा आपको स्टेटमेंट निकालने के लिए। तो जैसे मान लीजिए हम 2021 में कोई हम ट्रांजेक्शन किए हुए हैं तो उसको हमें इनवाइस बिल निकालना है, वारंटी स्लिप निकालना है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे 2021 में, जैसे आप 1 साल 2 साल पुराना आप निकाल सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया हुआ यहाँ पे कि क्या बोलते हैं, लास्ट 30 डेज़ में निकाल सकते हैं, लास्ट 6 मंथ का निकाल सकते हैं, या फिर जो कोई साल का निकालना चाहते हैं वो भी निकाल सकते हैं। और दूसरे में यहाँ पे देखिए, ऊपर ऑर्डर टाइप में भी दिखा रहा है नॉट येट शिप्ड, मतलब आप यहाँ से स्टेटस भी देख सकते हैं कि जो आपने ऑर्डर किया हुआ है वो स्टेटस यहाँ से आप देख सकते हैं। तो नॉट येट शिप्ड पर जब करेंगे तो वहाँ पर आपको दिखाया जाएगा, या फिर आपने कोई ऑर्डर कैंसिल कर दिया था उसका पेमेंट वगैरह आपको नहीं मिला हुआ है तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर कैंसिल ऑर्डर पर जब क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको दिखाया जाएगा कौन कौन से आपके ऑर्डर कैंसिल हो चुके हैं और अभी तक उस पेंडिंग में क्यों है, क्या है उसका स्टेटस। तो चलिए, जैसे हमें 2021 का हमें निकालना है तो हम यहाँ 2021 पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद से यहाँ नीचे आपको अप्लाई का बटन दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद से दोस्तों देखिए, इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे आपको 2021 का पूरा ट्रांजेक्शन दिखा दिया जाएगा। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके आप जो अपना ट्रांजेक्शन देख सकते हैं, जो आपको जो जैसे आपको खोजना है तो आप स्क्रॉल डाउन करते हुए जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने वन प्लस का हेडफोन परचेज़ किया था तो उसका हमें इनवाइस बिल निकालना है, तो हम आपको देखे चली करके आपको इनवाइस बिल निकाल करके दिखाते हैं। जैसे स्क्रॉल डाउन करते हुए आएंगे, देखिए आपको नीचे यहाँ पर दिख रहा है या वन प्लस बुलेट वायरलेस, यहाँ पर हमने ऑर्डर किया था 8 अगस्त 2021 को। तो ये आपको इस पर जैसे आपको इसका इनवाइस बिल चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए सर्च हो गया, यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है बाय इट अगेन। तो यहाँ पे आप अगर दोबारा ख़रीदना चाहते तो इसे कर सकते हैं, नहीं तो आपको जो जैसे आपको यहाँ देखिए ऑर्डर इन्फॉर्मेशन पे दिया जा रहा है डाउनलोड इनवाइस और व्यू ऑर्डर डिटेल्स, ये यहाँ पे आप अपना ऑर्डर डिटेल्स भी देख सकते हैं, उसमें कब परचेज किया था, कौन सा ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह ये भी है। आप यहाँ से दूसरे नंबर पर आप डाउनलोड इनवाइस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो वारंटी स्लिप है या फिर इनवाइस है जो आपने परचेज किया था जितना, उसका सारा चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में। तो जैसे मान चलिए हम आपको डाउनलोड करके दिखाते हैं, तो डाउनलोड इनवाइस पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे इनवाइस आ रहा है, वारंटी स्लिप आ रहा है, दो तरह का इनवाइस बिल। इनवाइस मतलब वो चीज़ जब आपने परचेज किया था तो उस टाइम ने जो जो आपका सेलर ने जो आपको भेजा था, जो एड्रेस वगैरह पे जो होता है, जो सेलर की जो आईडी होती है उसमें वो सारे चीज़ डिटेल्स होता है वो चीज़ देता है। और वारंटी स्लिप वो होता है जो आप वन प्लस की जो कंपनी होती है वो कंपनी 1 साल के लिए वारंटी देती है, उसका वारंटी स्लिप होता है। जो आपको डाउनलोड करना है उस पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद से आप यहाँ डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर देंगे। जैसे मान लीजिए हमें वारंटी स्लिप अगर डाउनलोड करना है तो वारंटी वाले पे सेलेक्ट करेंगे, ये टिक कर लिया। टिक करने के बाद डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक कर देंगे। देखिए हमारा डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोडिंग फाइल पर आ रहा है, अब ये डाउनलोड हो जाएगा। देखिए डाउनलोड हो गया, अब यहाँ पर हम ओपन करके दिखा देते हैं आपको। देखिए ये रहा, WPS ऑफिस से हमने ओपन किया है ये पर। देखिए हमारा ये डाउनलोड हो चुका है और ये हमारा इनवाइस बिल रहा पूरा कंप्लीट।
डाउनलोड करके दिखाया। तो दोस्तों मैंने आपको ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिखाया कि कैसे आप अपने अमेज़ॉन पे से जो ऑर्डर किया हुआ है उसका इनवॉइस बिल या वारंटी स्लिप कैसे डाउनलोड करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो लाइक करें, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारा इसी तरह का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।